बनाकर रहे कि वनवास के द्वारा राम सीता और लक्ष्मण जी हैं वो पंचवटी में पर्ण कुटीर पर्णों की जो कुटीर है पान की कुटीर बनाकर वहां पर रह रहे थे। चलो तो हम काली की तरफ बढ़ते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें चारों यानी के सुंदर सुंदर चंद्र की चंचल किरणें चंचल यानी के चलायमान यानी की शरारती बराबर। चारों सुंदर सुंदर चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, खेल रही जैसे लग रहा है कि खेल रही हो जलथल में, जल यानी के पानी और थल यानी की पृथ्वी। पृथ्वी और जल में सुंदर चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हो ऐसा लग रहा है तथा स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अपनी और अंबर तल में बराबर। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यानी कि स्वच्छ चांदनी जो है वो बिछी हुई है अपनी यानी कि पृथ्वी और अंबर तल में, अंबर यानी कि आकाश, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है ऐसा भी लग रहा है। जाने के बराबर ये सुंदर दृश्य है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और कह रहे हैं कि सुंदर चंद्र की जो चंचल किरणें हैं वो पानी और धरती यानी कि पृथ्वी में खेल रही है तथा पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है ऐसा लग रहा है बराबर। ऐसा दृश्य हमें लग रहा है। पुलक पुलक प्रकट करती है धरती हरक तृणों की नोकों से यानी कि ये सब बराबर की चांदनी का जो ये बिछी हुई है बराबर ये सुंदर दृश्य है इससे प्रसन्न होकर बराबर कौन प्रसन्न प्रकट करती है धरती यानी कि धरती प्रसन्न प्रसन्नता प्रकट करती हुई हरित तृणों की नोकों से यानी कि धरती धरती जो धरती माता है पृथ्वी वो प्रसन्नता प्रकट करती है इससे हरित तृण हरित यानी कि हरियाली तृण यानी कि घास घास यानी कि पत्ते पत्तों की नोक से हरियाली पत्तों की नोक से नोक से वो प्रसन्नता प्रकट कर रही है कौन धरती धरती हरियाली कणों की नोक से प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से धीमे मंद यानी के धीमे पवन की झोंक से झोंकों से धीमी धीमी पवन की झोंकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी कि पेड़ मानो झूम रहे हैं कि धीमी पवन की झोंकों से पेड़ यानी पेड़ मानो झूम रहे हैं ऐसा लग रहा है। आगे पंचवटी की छाया में सुमन सुंदर पर्ण कुटीर बना पंचवटी यानी कि पांच वृक्षों का समूह पंचवटी की छाया में पंचवटी जो है उसके पांच वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना सुंदर सुंदर पर्ण यानी कि पान पान के कुटीर बना हुआ है पर्ण कुटीर बना हुआ है उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक कमना के उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने स्वच्छ शिला पर स्वच्छ शिला यानी कि पत्थर पर धीर वीर निर्भीकना जाग रहा है कौन धनुर्धर यानी कि वो धीरज धारण धीर यानी कि धीरज वीर यानी कि वीर और निर्भीक यानी कि निडर धीर वीर निडर धनुर्धर जाग रहा है यह कौन की यह कौन जाग रहा है धीर वीर निर्भीक धनुर्धर यह कौन जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है जबकि सारा संसार भुवन यानी कि संसार जबकि सारा संसार जो है वो सोया हुआ है यह कौन जाग रहा है यह धनुर्धर कौन जाग रहा है जबकि सारा संसार जो है वो सोया हुआ है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा कुसुमा युद्ध यानी कि कामदेव